अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की लीक होने वाली दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि भारत से सामने आने वाली कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म डेल्टा चिकन पॉक्स की तरह तेजी से फैलती है और इससे वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद भी मुतासर होते हैं। CDC की लीक दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि डेल्टा वेरियंट से मुतासर हर मरीज औसतन 8 से 9 अफराद को मुतासर करता है और ये इस कदर तेजी से फैलता है कि जैसे चिकन पॉक्स फैलता है। अमरीकी इदारे की स्लाइड की शक्ल में लीक दस्तावेजात में इस बात को भी तस्लीम किया गया है कि वायरस के खिलाफ जंग की नौयत तब्दील हो चुकी है और इससे मुकाबले के लिए वैक्सीन लगवाने के साथ मास्क पहनना भी ज़रूरी है। दस्तावेजात के जरिए ये बात भी सामने आई है कि डेल्टा वेरियंट कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद में भी इसी कदर तेज़ी से फैलता है जितना तेज़ी से वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद में फैलता है। ताहम लीक दस्तावेजात में कहा गया है कि वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद मौत और शदीद नौयत की बीमारियों से 10 गुना ज़्यादा महफूज रहते हैं और इनमें इन्फेक्शन से मुतासिर होने के इम्कानात भी 3% कम हो जाते हैं। लीक डेटा में कहा गया है कि वैक्सीन शदीद नौयत की बीमारियों से तो 90% तक महफूज रखती हैं लेकिन शायद ये इन्फेक्शन और इनकी मुंतकली से कम बचाती हैं।